नमस्कार कोच, पिछला सप्ताह के आज के एपिसोड में मैं तानिया पांडे आपका स्वागत करती हूं। भारत के न्यायालयों की खबरें लगातार पाने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 कैपिटल ए पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक्ट की धारा 17 ए 26 जुलाई 2018 को लागू हुई थी और ये प्रावधान करती है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने अपीलों को अलाउ करते हुए कहा कि ये संभवतः लेजिस्लेचर की मंशा नहीं हो सकती है कि संशोधन लाकर जुलाई 2018 तक सभी लंबित जांचों को इंफ्रक्चुअस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस्तीफा देने वाली महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को रीइंस्टेट करें जिसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में उनके इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और इसलिए उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्तिगण एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने 1 फरवरी को मामले में जजमेंट रिजर्व करा था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को निर्देश दिया कि नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 2 40 मंजिला टावर्स के डेमोलिशन का काम 2 सप्ताह की अवधि के भीतर शुरू किया जाए। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा था जिसमें बिल्डिंग नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए नोएडा में सुपरटेक लिमिटेड के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 2 40 मंजिला टावर्स को डिमोलिश करने का निर्देश दिया गया था। फ्यूजिटिव बिजनेसमैन विजय माल्या को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मामले में सजा की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया और मामले को 24 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। विजय माल्या को 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और किंगफिशर एयरलाइंस के बीच एक मामले में संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ सिंगापुर ट्राइब्यूनल के समक्ष आगे के आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर 1 फरवरी तक रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमेजोन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने प्रतिवादी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया और 23 फरवरी को याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को इस कानूनी सवाल पर बहस शुरू की कि प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 21 के तहत क्या पीड़ित महिला के अलावा किसी अडल्ट पुरुष सदस्य को भी बच्चे के संबंध में मुलाकात के अधिकार की मांग के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में विजिटेशन के अधिकार की मांग नहीं कर सकने पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में होने वाली कार्यवाही की मल्टीप्लिसिटी के बारे में चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में मर्ज हो जाती है तो डिक्री के सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्तिगण एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जून 2021 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी। आइए अब डालते हैं एक नजर हाईकोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स की खबरों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक फुल बेंच ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया है, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो, जब तक न्यायालय मामले पर विचार कर रहा है। हाईकोर्ट कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा सरकारी कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये आदेश केवल उन इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा
जिन्होंने एक सामान्य ड्रेस कोड निर्धारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। वे केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर 2021 को हुई एक घटना के लिए मामला दर्ज किया गया था, जब उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 4 किसान एक एसयूवी से कुचलकर मारे गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत एक पुलिस अधिकारी जो एक गजेटेड ऑफिसर है, उसे अक्यूज या सस्पेक्ट की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर कोई रोक नहीं है। जस्टिस एचपी संदेश के एक सिंगल जज की बेंच ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी एक गजेटेड ऑफिसर है, उक्त विभाग के अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तलाशी पर रोक नहीं है और कोई कानून ये निर्धारित नहीं करता है कि गजेटेड ऑफिसर जो विशेष विभाग से संबंधित हो की उपस्थिति में ही अक्यूज या सस्पेक्ट की व्यक्तिगत तलाशी ली जानी चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि लोक अदालत में निपटारे का समझौता सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इस तरह ये पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। कोर्ट ने आगे कहा कि इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती है और यदि कोई पक्ष समझौते के आधार पर इस तरह के अवार्ड को चुनौती देना चाहता है तो ये केवल संविधान के आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के तहत याचिका दायर करके किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक नाबालिग बच्चा पिता द्वारा अपने पालन पोषण के लिए भरण पोषण का दावा करने का हकदार है और ऐसा बच्चा अपने माता पिता के बीच भरण पोषण के संबंध में तलाक के समझौते से बाध्य नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह एक नाबालिग बच्चे द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे, जिसे फैमिली कोर्ट द्वारा 15,000 प्रति माह भरण पोषण के लिए दिए जाने से व्यथित होकर याचिका दायर की थी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप लीगल अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं तो लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें। मैं हूं तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from LiveLaw.